लोगों को बहुत ही पसंद आ रहा है, थैंक यू, ट्रेलर बहुत ही फेमस भी हो रहा है, तो आप लोग बताइए कि क्या टेक होता है जब कोई भी फिल्म आने से पहले ऑडियंस इतना पसंद करती है और फेमस हो चुका है आप लोगों का ट्रेलर भी, और बढ़ जाती हैं उम्मीदें, एक्सपेक्टेशंस और बढ़ जाती हैं, क्योंकि आप वो तो पता है कि अच्छी फिल्म है, ट्रेलर अगर इतना लोगों को पसंद आया हम तो यही एक्सपेक्ट करते हैं कि जो है फिल्म भी देखने के लिए घुसें, तो पसंद आएगी ये तो गारंटी है, पर चाहिए देखने के लिए ऐसी पिक्चरें, जब कुछ अच्छा आ रहा होता है, कुछ नया आ रहा होता है तो चाहिए देखिए, ट्रेलर से 100 गुना ज़्यादा मज़ा आएगा फिल्म देखने। एग्जैक्टली ओके सर, मेरा तो आपसे एक है सर, जैसे कि फेमस होता है वो एक अलग तरीके से लिखा जाता है, एफ से स्टार्ट होता है, लेकिन इसमें फेमस बी से स्टार्ट हुआ है, फेमस तो उसके पीछे क्या रीज़न है, क्या उसके ये आपको बेहतर उत्तर जो है करण देगा, क्योंकि सवेरे से वैसे इसका उत्तर तो आप भी जानते होंगे या नहीं जानते हो, मुझे लगता है सब जानते हैं, फिर भी देखो भारत के 80% हिस्सों में और खासकर हिंदी भाषी इलाकों में फेमस ही बोलते हैं, मैं भी फेमस ही बोलता हूँ, जो अंग्रेजी माध्यम से पढ़े हुए हैं उनको मालूम है कि फ के नीचे एक नुक्ता होता है, जो भी होता है, तो वही संदर्भ है कि जहाँ की कहानी है वहाँ के लोग फेमस बोलते हैं, इसलिए इन्होंने ये कर दिया। हालांकि ये घालमेल हुआ है, हिंदी का फ है बाकी अंग्रेजी के शब्द हैं, तो समझ में नहीं आता हिंदी पिक्चर है अंग्रेजी पिक्चर है। करण जी, जी आपके लिए कॉन्ग्रेचुलेशन, आपके डेब्यू भी है, आपके ही नाम के और एक डायरेक्टर है हमारे हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में जो बहुत ही फेमस है, तो ऐसा आप मानते हैं कि कुछ ऐसे नाम को लेके कुछ कंफ्यूजन होगा लोगों के बीच में? अरे वो आप करण जौहर की बात कर रहे हैं, अरे वो बहुत बड़े हैं भाई, कहाँ कंफ्यूजन की है, वो बहुत सीनियर है मुझसे बहुत ज़्यादा, मैं तो उनकी पिक्चरें देख के बड़ा हुआ, तो मैं तो बच्चा हुआ, मुझे कहाँ कंफ्यूजन, बहुत दूर की कंफ्यूजन नहीं होगी, ऐसे कोई टेंशन मत लीजिए। कलाकार हैं, जो है वो बहुत सारी तो ऐसी चीजें सिखाई हैं जो मैं इसके आगे जो 2-4 फिल्में मैंने शूट की हैं उसमें लागू भी कर रही हूँ। हर सीन में हर आर्टिस्ट से कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है, दिग्गज लोग हैं, और ये है कि जब आप साथ में काम कर रहे होते हो तो मज़ा आना है, और वो हम लोग को फिल्म को बनाते हुए तो मज़ा आ रहा है। माही जी, आप मतलब आप सभी से आप लोगों के किरदार के बारे में थोड़ा थोड़ा जानना चाहिए, लेकिन आपसे स्टार्ट करते हैं, आप बताइए, हमने जैसा कि ट्रेलर में देखा टीचर हैं आप, रोजी टीचर जो गांव में पढ़ाने के लिए आई है, और वो सोचती है कि जो बच्चे हैं उनको वो काफ़ी उनका भविष्य चेंज कर सकती है बेहतरी के लिए, तो उस तरह की टीचर है, लेकिन ऐसा कुछ हादसा होता है कि काफ़ी गड़बड़ हो जाती है, तो पूरी फिर स्टोरी फिल्म की चेंज हो जाती है। जी आप कुछ बताइए, मतलब ट्रेलर में जो हमने देखा, आई थिंक आपसे और भी लोगों ने कई बार आपसे सवाल पूछा गया होगा, इमोशनल के दौरान रोमांस करने के दौरान आप रो रहे हैं, मतलब ये तो मैंने पहली बार ऐसा हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में देखा, एक नई क्रांति ला रहे हो, देखा है पहली बार साजन की आंखों में प्यार, वही है ये, तभी तो हमारी फिल्म बाकियों से अलग होगी ना, कि कुछ तो एलिमेंट जो पहली बार दिखे, तो ये करण का क्रेडिट है, इस राइटिंग का खेल है कि इन्होंने वैसा सी, हालांकि मैं असहज था थोड़ा वो सब ऐसा करने में, बहुत ज़्यादा, मैं वही बोल रहा था, ये एक्चुअली जो कैरेक्टरिस्टिक है इस कैरेक्टर का वो सर का इनपुट था ये वाला, हाँ नहीं मतलब कलेक्टिव होता है, सिर्फ मेरा इनपुट नहीं था, वो दोनों का काम है। इम्प्रोवाइज करते हैं, बिल्कुल करते हैं, करना भी चाहिए, आई थिंक वो ज़रूरी है, हर फिल्म का ग्रोथ एक राइटर एक डायरेक्टर एक पॉइंट तक सोचता है, चाहे वो जितना बड़ा थॉट हो या कम हो, जब कोई और बंदा उस कैरेक्टर को अपने ऊपर ढालता है तो वो उसमें कुछ और ले आता है, और वो अच्छे एक्टर्स के साथ में वो एक बात है जो होता ही होता है, तो 100% मतलब जो मैंने कैरेक्टर सोचे थे वो तो है,
मगर उससे वो दो वर्जन ऊपर गए हैं बिकॉज सब ने उसमें कुछ ना कुछ अपना एलिमेंट्स लाया है। कोई इंसिडेंट जो आप शेयर करना चाहेंगे, एक पर्टिकुलर कोई सीन जब आपको लगा हो कि लिखे हुए से बेहतर आर्टिस्ट हर सीन हर सीन मैं बोलूँगा एवरी सिंगल सीन इन द फिल्म जो लिखा है उससे बेहतर ही परफॉर्म हुआ है। जैसे सर का जो सीन अब बहुत चर्चे में सब लोग उसी बारे में बात कर रहे हैं, वो सीन एक्चुअली सर को याद होगा वो साथ में सोचा था, वो सीन था कहीं पर स्क्रिप्ट में, मगर उसमें जो छोटी छोटी न्यूएंसेस है, जो उनका एक्सप्रेशन है, जो एक थॉट है, वो सब उसमें सर का एक बहुत इम्पोर्टेंट इनपुट था, तो वो एक कोलैबोरेटिव था विद ऑल ऑफ देम। हाँ, क्यों रो रहे भैया, क्यों रो रहे भैया, तो के सर के साथ में भी एवरीवन सबके साथ में जो है वो कैरेक्टर को साथ में बिल्ड किया गया, किसी के साथ किसी का भी ऐसा नहीं था कि भैया ये कैरेक्टर है बस उन्होंने आके वो स्ट्रेट फॉरवर्ड परफॉर्म किया और निकल गए, ऐसा कहीं नहीं था, सबने वो कैरेक्टर को समझा है, उस पर डिस्कशन की है मेरे साथ, हेल्दी डिबेट्स हुए हमारे, तब जाके वो कैरेक्टर बना जो बना। ऐसे तो हर फिल्म में होता है वो, एज एन एक्टर आपका आपका वो काम ही होता है कि आप उसको इम्प्रूव करने की कोशिश करो और देखो कि दायरे के बाहर जाता है कि नहीं, दायरे के बाहर गया तो आप उसको नकारते हो और दोबारा वापस बैक टू बेसिक्स जाते हो, वो नॉर्मल सी चीज़ है, हर प्रोफेशन में होता है। और जहाँ तक ये फिल्म का सवाल है, हम चूँकि एक साथ सब कुछ कर रहे थे, सब कुछ साथ में ये कर रहे थे, तो इनपुट्स इतने आ रहे थे कि हमको दायरे के बाहर जाना बिल्कुल मतलब नहीं पड़ा। सारे के सारे जो इतने बैठे हुए हैं यहाँ पे सारे इसमें माहिर हैं। अच्छा, ट्रेलर में हमने देखा या फिल्म में भी हम देखेंगे AK-47 आप लोग बहुत ही आपको लग गया संवाद है की 147 लेके आएंगे। गन्स के अगेंस्ट और वायलेंस के अगेंस्ट और सारा कुछ आप घर लेके एंड में जाएंगे, मतलब मुझे तो ऐसा लगता है कि एंड में आप ये सोचेंगे शायद ये फिल्म बनाई इसलिए गई थी कि गन लॉ के अगेंस्ट बात करें। हाँ बिल्कुल, कि भाई ये चीज़ सही नहीं है, किसी भी तरह से ये फिल्म गन्स को ग्लोरीफाई नहीं करती, ये बात मैं एक्चुअली बहुत लाउडली कहना चाहता हूँ, क्योंकि ये बहुत लोग कह रहे हैं कि इतनी बंदूकें चली है, इतनी गोलियाँ चली है, हम कोई ग्लोरीफाई नहीं कर रहे इसको। कहानी में गन बहुत इम्पॉर्टेंट है और उसी की जस्टिफिकेशन आपको एंड में मिलती है, तो चाहे वो चंबल हो चाहे वो गन्स हो, वो एक किरदार हैं फिल्म के अंदर, जिनको आप जब देखेंगे तो आप बोलेंगे अगर ये बंदूक हम निकाल देते हैं, चंबल निकाल देते हैं, लेकिन यहाँ तो कहानी नहीं है। अच्छा माही जी, आपसे जानना चाहेंगे, बहुत ही लिमिटेड फिल्में करती हैं आप, हम ऐसा माने कि काफ़ी चूजी हैं आप अपनी फिल्मों को लेकर कि जो आपको पसंद आए कि आप ऐसी ही करें, हम देखते हैं कितने सारे आए दिन राधर पिक्चर करते जाते हैं। मैं मुझे मुझे लगता है कि जो मुझे अच्छा चीज़ आपका इशारा मिलता मेला लगा हाँ, मैं काफ़ी कम पिक्चर्स इसलिए करती हूँ कि मुझे जो जो जितनी सपोज 10 ऑफर हुई हैं तो उसमें शायद मुझे एक स्क्रिप्ट पसंद आती है तो फिर मैं वही करती हूँ। मुझे ये लगता है कि पैसा भी चाहिए तो ऐसा नहीं है, लेकिन फ्री में करती हूँ नहीं, लेकिन मैंने हाँ चूज़ी हूँ बहुत ज़्यादा, मुझे लगता है जो मुझे पसंद है, क्योंकि मैं किसी फिल्म को पसंद ना करूँ स्क्रिप्ट को, लेकिन मैं चली जाऊँ सेट पर, मैं सब एक्टर्स का टाइम वेस्ट करूँगी, प्रोड्यूसर का पैसा वेस्ट करूँगी, आई डोंट डू दैट, तो मुझे होता है कि कम फिल्में करो अच्छी करो। नहीं यार देखो, ये तो बहुत आप सही सवाल किए हैं, मेरी पहले स्क्रिप्टें अब आती हैं तो मेरी पत्नी पढ़ती हैं,
मेरी स्क्रिप्ट जो भी आती है मेरे पास तो मैं अपनी वाइफ को दे देता हूँ कि तुम पढ़ो इसको एक बार, तो वो पढ़ के और वो फ़ोन करती है कि ये वाला रोल तुम्हारा है, मैं बोलता हूँ वो वाला नहीं दूसरा वाला, वो तो किसी और का है, तो उनके साथ ये गुजरता होगा, मुझे तो पता होता कि मुझे क्या मिला है इसमें। नहीं ऐसा कुछ नहीं होता मेरे साथ, ऐसा बहुत होता है मेरे पास कोई लेके आते हैं बोलते हैं ये वाला किरदार जो है आपका, बड़े यंग नए डायरेक्टर्स और सारा कुछ, और उसमें उन्होंने कुछ कोई एक ऐसा किरदार फिर कोई रियलिस्टिक सी फिल्म और सारा कुछ, और बहुत एक किरदार जो सेंट्रल कैरेक्टर है वो लेके आते हैं, और मैं पढ़ने के बाद उनको पूछता हूँ यार वो जो दूसरा किरदार है वो छोटा है मगर मुझे वो ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगा क्योंकि मैंने उस तरीके से कुछ किया नहीं, तो मैं इंटरेस्टेड होऊंगा वो करने पे रादर देन ये सेंट्रल कैरेक्टर जो मेरे को कुछ करवा नहीं रहा, ऐसा मैं कुछ और कर रहा हूँ या मैंने किया हुआ है, तो वो गायब हो जाता है उसके बाद। मैं कोशिश करता हूँ कि मैं वो किरदार ना करूँ जिसके लिए मैं ओवर क्वालिफाइड हूँ, सिंपल है। तो जहाँ मैं देखता हूँ कि वहाँ पर आपको खुद को ख़राब लगता है अगर आपने ऐसा कोई रोल किया, तो कोशिश करता हूँ कि जो आपको जो भी रोल दिया जाता है वो आपके टैलेंट के मुताबिक हो, ऐसा ना हो कि आपको मिसयूज़ किया जाए, तो वो क्योंकि बहुत कुछ हो चुका है वैसे मिसयूज़ तो, और मैं कोशिश करता हूँ उसको बांध लगा करके पानी भरा जाए। श्रेया की अभी भी शादी हुई है आप सबको मालूम होगा, तो शादी तो शायद अपने हनीमून पे है इस वक्त, तो प्यार को वो ढूंढ रही थी तो मिल चुका है, हम लोग ढूंढ रहे हैं। भाई जी आपका ऐसे आपकी ऐसी कोई प्लानिंग, मतलब आपकी जो एक्टर इस फिल्म की जो, और इस रिया सरन देखिए काफ़ी सडनली ऐसे ट्विटर पे उन्होंने या इंस्टाग्राम पर ऐसे शौक दिया कि हाँ मैंने शादी कर ली, शौक क्यों है उनके घर परिवार वालों को पता ही होगा, कैटरर को मालूम होगा जो उस दिन खाना बना रहा होगा, शौक कैसे हो सकता है, बहुत लोग जानते होंगे, सूचना ही अखबारों में व्यवस्थाएं शौक देने का। मैं भी बहुत बड़ा शौक दूंगी थोड़ा, वो डिस्कशन हो चुका है, माही जो है ट्विटर पे इतनी एक्टिव नहीं है, तो जब वो कर रही होंगी वो मैं आराम से बता देंगी और पंकज सर वो शौक आपको दे देंगे, बहुत बड़ा शौक देंगे, कितने वोल्टेज का चाहिए बता दीजिए, मतलब ये इसी साल अब डिपेंड इन पे है ना, मैं ट्विटर इनको तो सिर्फ ट्विटर पे डालना है ना, बताना उनको है, निर्णय उन्हें करना है, मैं तो सिर्फ खबर दूंगा, जब मैं दूंगी तो बहुत तगड़ा शौक दूंगी पूरा आपको बता दूंगी। करेक्ट यार, ओके सर, मेरा सवाल मतलब आप सभी से है कि सर सिचुएशन से इस फिल्म के किरदार को करने के बाद निभाने के बाद वो किरदार कब तक आपके साथ रहता है या रहा है, और उससे पीछा छुड़ाने के लिए आप क्या-क्या करते हैं, मतलब तैयारी में टाइम तो जाता ही है आई एम श्योर कि उससे पीछा छुड़ाने के लिए अगले किरदार में खुद को ढालने के लिए उसमें भी टाइम जाता है, वो दोनों चीज़ें कैसे मैनेज करते हैं, मैं आपसे ही क्वेश्चन मैं तो बिल्कुल मैं एक बार खिलाड़ी उस मैदान के बाहर चला जाता है उसके बाद बल्ला नहीं घुमाता है तो वो वहीं पे सौरन मार कर कि बाहर फिर वो सौरन मारने की जरूरत नहीं होती, तो आई बिलोंग टू दैट कैटेगरी, आई डोंट कैरी एनीथिंग ऑफ द कैरेक्टर बैक, वरना फिर तो मतलब बंदूक के चलते रहेंगे यहाँ पे चला दूंगा। इस फिल्म में थोड़ा सा अजीब हुआ है क्योंकि हम जब वहाँ गए हैं तो उस माहौल में उस कहानी में ढल गए, और लिटरली कुछ 23-24 दिसंबर के आसपास जो है वो हमारा रैपअप हुआ fog. और उसके बाद फॉग वॉक शुरू हुई उसी रात, और हम वहाँ से जो ड्राइव करके निकले हैं दिल्ली क्योंकि जहाँ हम लोग शूट कर रहे थे वहाँ से 8-10 घंटे की ड्राइव थी, अगले दिन हम लोग निकले हैं वहाँ से और मैं एक बार दिल्ली पहुँच गया और जो वो क्रिसमस न्यू ईयर्स का माहौल था तो निकल गए, मगर वो जगह ऐसी है उसका कैरेक्टर ऐसा है कि जैसे ही आप वहाँ पहुँचे और आपने अपना पहला सीन किया और आपने, क्योंकि कई बार ऐसा होता है मेरा तो ये एक्सपीरियंस है कि कई बार 3-4 सीन लग जाते हैं एक इंसान को वो सुर पकड़ने में, जब आपको अंदर से फीलिंग आने लग जाती है कि अब ये किरदार पकड़ा गया अब ये ऐसा है, मगर ये एक ऐसी जगह थी कि वहाँ गए हैं और उस लोकेशन पर पहुँचे हैं
एक आध शॉट दिया है बस, और बस ऐसा लगा कि बस ये तो हो गए वहीं के, तो वो कहीं ना कहीं आपको ट्रेलर में दिख रहा होगा, हम लोग अपने जैसे नहीं लग रहे हैं वो कुछ। कुछ नहीं, मैं सब बता दिए। स्विच ऑन स्विच ऑफ करके भी एक मसला होता है कि किसी किरदार में गए निकल गए हमें मालूम है। तो चलिए जाते हैं फेमस 1 जून। हाँ सर, इस बार माही, हर बार मैं बोलता हूँ लेडी लीड्स। 1 जून को बहुत ही कमाल की फिल्म रिलीज होने जा रही है और उसका नाम है फेमस। Thank you.